आशा वर्कर अपनी मांगों के पूरा ना होने पर उखड़ी हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले अगस्त महीने से हड़ताल पर चल रही आशा वर्कर यूनियन की ओर से आज लघु सचिवालय पहुंचकर अतिरिक्त उपायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री से मिलकर आशा वर्कर की बातों को रखने के लिए समय मांगा गया है, जिस पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी एवं आशा वर्कर के लिए समय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर आशा वर्कर की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर जायज मांगों का निपटारा किया जाएगा। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के नेता भी आशा वर्कर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के साथ अतिरिक्त उपायुक्त से मिले और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए मांगे पूरी करने का आह्वान किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए आशा वर्कर यूनियन के नेताओं ने कहा कि जिला प्रशासन गुमराह कर रहा है एवं मुख्यमंत्री से समय दिलाने में भी आनाकानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग अगस्त महीने से आशा वर्कर धरने पर हैं, परंतु सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंच रहा, परंतु मुख्यमंत्री द्वारा भी बार बार समय देने के बाद एवं उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने के बाद भी कोई मांग पूरी नहीं की जा रही है, जिससे आशा वर्कर में रोष व्याप्त है। आज हमारी डीसी साहब के साथ मीटिंग करने का तय हुआ था और कल जो हम सीएम आवास पर गए थे वहाँ अपने जो है वीडियो साहब ने हमारे को डीसी साहब से मिलने का टाइम दिया था। जब हम यहाँ पहुँचे डीसी साहब मौजूद नहीं थे, एडीसी साहब ने हमारे साथ बातचीत की और आश्वासन के सिवाय हमारे को कुछ नहीं मिला और गोल मोड़ तरीके से आश्वासन आया। ये कहा गया कि आपको 2-3 दिन के अंदर बता दिया जाएगा, सीएम साहब करनाल आएंगे, आते जाते आपकी बात कर लेंगे। हमारे SKS के साथी कृष्ण शर्मा जी हैं और अपने CI2 के जगपाल राणा जी ये इस बात पे अड़े हैं भी हमारे को ऑफिसियल टाइम दिया जाए और ऑफिसियल टाइम में आशा वर्करों के साथ बातचीत की जाए, जिसमें मिशन डायरेक्टर और DIG हेल्थ इसमें शामिल हों और ऑफिस मीटिंग में उसमें ऑफिस में बैठ के बातचीत करके और तब आशा वर्करों के मसले का समाधान किया जाए। कितने दिन से धरने पे आप? हम 7 अगस्त धरने पे हैं और लगातार हमारी 26 अगस्त तक हमारे हड़ताल चली, उसके बाद हमारे धरने प्रदर्शन जारी हैं और जब तक सीएम साहब हमारे साथ मीटिंग में ऑफिशियली बात नहीं करते तब तक हमारे धरने प्रदर्शन पूरे स्टेट में जारी रहेंगे। आज का क्या कार्यक्रम रहेगा? आज हम पूरे स्टेट की आशा वर्कर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे मतलब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सीएम साहब का पुतला जलाएंगे और रोष प्रकट करेंगे, क्योंकि इतने लंबे आंदोलन चलाने के बावजूद भी सीएम साहब हमारी कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। सभी वर्करों में रोष है और इसलिए आज हम पूरे प्रदेश की आशा वर्कर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रोष प्रकट करेंगे और सीएम साहब का पुतला जलाएंगे। आज करनाल में कहाँ पे जलाएंगे? अभी हमारी कुछ तय नहीं, हम करनाल में कहाँ जलाएंगे पुतला, क्योंकि अपने अपने उसमें मीटिंग में बातचीत करेंगे, हमने क्या प्रोग्राम करना है, शायद हम आगे का भी कोई प्रोग्राम चेंज कर सके वो हम फिलहाल कुछ। तो ADC साहब ने जो बातचीत की आप सहमत नहीं है उससे, क्या कहना चाहेंगे? असंतोषजनक बातचीत ADC साहब की लगी, क्योंकि जब हमारे को पहले से ही सूचित किया गया तभी आप कल मीटिंग में आओ बातचीत करके आपको टाइम दिलाया जाएगा सीएम साहब से, और आज जब बातचीत के लिए गए हैं तो ये कहते हैं जी आते जाते आपके साथ बातचीत कर लेंगे। हम चलते फिरते सीएम साहब के साथ बातचीत करने पे कोई भी वर्कर तैयार नहीं है हमारे को। आज किससे मिलने गए थे, आज क्या कुछ आश्वासन मिला? आज हम गए थे ADC के साथ की आज मीटिंग और ADC के साथ बात हुई आज, और बात क्या, जो हमारी मांग पत्र पहले से सीएम के पास जा चुका है और मांगे भी बातचीत भी हो चुकी है, इसके ऊपर कोई समाधान आशा वर्कर का नहीं अभी तक निकला। इस पे भी आज ADC ने आश्वासन ही दिया 2-3 दिन के अंदर आपकी मीटिंग कराई जाएगी सीएम के साथ, सिर्फ आश्वासन मिला अभी अभी तक, यानी कि तारीख और मिलने का टाइम और जगह कोई ऐसा स्थान उन्होंने तय नहीं करवाया। तो धरना खत्म कर देंगे अब आप? नहीं, धरना आज हम नहीं खत्म करेंगे, आज हम स्वास्थ्य मंत्री उसका सीएम का पुतला फूकेंगे मुख्यमंत्री का, और धरना तो आंदोलन हमारा चलेगा, आंदोलन का स्वरूप हमने चेंज कर दिया आज। के अलावा कोई और अधिकारी भी इन मांग मुद्दों पर बातचीत कर सकता था, आशा वर्कर यूनियन के रोष को कम किया जा सकता था। आगामी क्या कदम रहेगा? आगामी कदम हमारा अभी जो
तय प्रोग्राम है, तयशुदा प्रोग्राम है कि आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय के पुतले जलाए जाएंगे और कल 22 तारीख को पूरे प्रदेश की नजदीकी जिलों की जो ना आशा वर्कर गोहाना में प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री के अधिकारी होने के नाते जो दिया जाता है वही आश्वासन आज उन्होंने दिया है, क्योंकि किसी भी प्रकार से जो कल बात हुई थी कि कल डीसी साहब मुख्यमंत्री महोदय से कोई बातचीत करेंगे और आपको समय दिया जाएगा, लेकिन आज भी जिस प्रकार इनको 21 का समय दिया गया था, लिखित में समय दिया है, लेकिन उसके बाद कोई बात 20 को कोई बातचीत नहीं हुई और इन्होंने जब कल प्रदर्शन किया उसके खिलाफ, रोष प्रदर्शन रोष में थे ये सभी आशा वर्कर्स, उस टाइम पुलिस ने जो हाथापाई की है, जो बदसलूकी की है, उसका सरकुमारी सिंह कड़े तौर पर निंदा करता है और ये चेतावनी देता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलत हरकतों से जो ना सरकार और प्रशासन परहेज करे। और दूसरा ये है कि भाई आज मुख्यमंत्री महोदय जब समय नहीं दे रहे हैं तो वो भुगतेंगे, और मुख्यमंत्री महोदय की ये कह के कि भाई अब आचार संहिता लग गई इसलिए 20 तारीख को मीटिंग नहीं हो सकती, हम पूछना चाहेंगे उन अधिकारियों से और सरकार के उस अंग से जो मुख्यमंत्री के यहाँ प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, जिस दिन 8 तारीख को इनकी रैली थी आचार संहिता उस दिन भी थी, क्या उस दिन मुख्यमंत्री महोदय ये कह सकते थे? मुख्यमंत्री का काम केवल एक हो गया कि बहुत भारी भीड़ की जब संख्या आती है आंदोलन करने के लिए, किसी न किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ भेज देते हैं और वो लिखित में टाइम दे देते हैं मुख्यमंत्री महोदय को, और मुख्यमंत्री महोदय को ये भी नहीं पता होता, जहां तक हमें पता चला है कि उस दिन उनकी कोई मीटिंग तय हुई है, अपने पल्ले से लोगों की भीड़ को यहाँ से भगाने के लिए केवल एक ये रास्ता जो ना यहाँ के अधिकारियों ने और यहाँ सरकार के जो साथ लगे हुए लोग हैं उन्होंने अपनाया हुआ है, लिखित में टाइम दे दिया उसके बाद मुख्यमंत्री। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.